छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री फंड के लिए चंदा इकट्ठा कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने काम बंद कर कलम बंद हड़ताल का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर काम बंद कलम बंद का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद संगठन के लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री फंड के लिए चंदा इकट्ठा किया। इस मौके पर अधिकारी और कर्मचारियों ने काम बंद कलम बंद का आह्वान कर अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान दुर्ग नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी दुर्ग निगम से रैली निकाल कर प्रदर्शन किया और स्थल पर पहुंचकर समर्थन किया। उपस्थित है बड़े भैया अभियत राव जी, एक बार जोर से ताली कड़कड़ाहट से इसका स्वागत सम्मान करें, ताली बजती रहे। धन्यवाद छोटे भैया विजय लहरे जी, आदरणीय जय भारत जय छत्तीसगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे हमारे अनिल भैया के लिए, और हमारे बीच में स्वास्थ्य बहुदेशी कर्मचारी संघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष है और पूरे टीम का के साथ यहाँ पर उपस्थित है, जिनको हम और कर्मचारियों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो हम उसी सरलता और सहजता के साथ आपसे आग्रह करते हैं कि आप बड़ी सरलता और सहजता के साथ हमारी जो एक सूत्री मांग है 4% महंगाई भत्ता, उसे प्रदान कर दिया जाए, अन्यथा उसी सरलता और सहजता के साथ आपको। इस दौरान धरना प्रदर्शन पहुंचे सभी विभागों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की और कहा कि मांगे पूरी नहीं की गई तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी संगठन के बैनर तले प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी कार्यभारित दैनिक वृत्ति महिला बाल विकास नगर पालिका एवं श्रमिकों का प्रांत व्यापी संगठन सभी काम बंद कलम बंद कर आंदोलन करेंगे। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्गम पोस्टेड हूँ, जिला अध्यक्ष सीडा और बहुदेशी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की भी जिला अध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से बस इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारा जो डीए है और जो एरियाज है जो कि हमारा हक है वो जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि हम लोग कुछ दूसरी चीज़ें नहीं मांग रही, तो हमारा हक है। हम लोग खुद मतलब हमारी मेहनत की कमाई है ना, जब वो सब कुछ दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, गृहणियों को दे रहे हैं, तो हमने उनका क्या बिगाड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दिया जाए, और मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे हम लोग को एरियाज के लिए और डीए के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। और देखिए हम लोग तो सारे स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, तो हम लोग पूरे तरह से तो बंद नहीं कर सकते, हमारी इमरजेंसी सेवाएँ चालू हैं और बाकी हम लोग सारे लोग हड़ताल पे हैं, क्योंकि मरीज की जान का सवाल होता है, तो हम लोग उस चीज़ को भी ध्यान रख रहे हैं कि मरीज के साथ कोई नुकसान ना हो। तो हमारे जो दूसरे साथी लोग हैं जो इमरजेंसी जिनकी ड्यूटी उन लोग कर रहे हैं, बाकी हम सारे लोग स्ट्राइक में हैं। सरकार से हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 4% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी को दिया है, जारी किया है, उसी आधार पर राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 4% महंगाई भत्ता दिया जाए। और हमेशा देखने में आया कि जितनी राज्य सरकारें होती है कर्मचारियों के हितों के साथ अनदेखी करती है और उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। हम साय सरकार से आग्रह करते हैं कि वे कर्मचारी हितों की अनदेखी ना करें, और वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी से भी आग्रह करते हैं कि इस सरकार में जोगी सरकार के समय जो वित्त मंत्री थे रामचंद्र सिंहदेव जी, उसके बाद से जितने वित्त मंत्री आए हैं उन्होंने कर्मचारी हित में कोई काम नहीं किया है, तो हम और जिसके कारण कर्मचारी हमेशा आर्थिक रूप से परेशान होते रहे। तो अभी माननीय विष्णुदेव साय जी और ओपी चौधरी से आग्रह करते हैं कि वे अपने बजट में, आपके पास बजट पर्याप्त है, बस कर्मचारी हितों का ध्यान रखें और 4% जो महंगाई भत्ते की मांगों को लेकर के आज कर्मचारी सड़क पर उतर के आए हैं, तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि यदि कर्मचारी खुश होते थे वे सड़क पर नहीं आते, कहीं ना कहीं कर्मचारी दुखी हैं इसलिए सड़क पर आए हैं, और ये आंदोलन का विस्तार ना हो इसलिए
कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी कर्मचारी हित की जो है मांगे पूरी की जाए, और यदि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन सारे कर्मचारी मिलकर के करेंगे, ये हमारी मांग है और घोषणा भी। हम लोग मांग नहीं कर रहे साहब, हम लोग तो सरकार को याद दिला रहे हैं, जब सरकार बनने के पहले मोदी सरकार की गारंटी के नाम से हमारे कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को अपने घोषणा पत्र मिले थे, इसमें सिर्फ हम चार मांग को ही हम अभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र के समान हमको महंगाई भत्ता दे दिया जाए, केंद्र के समान हमको गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, हमारे जो मध्य प्रदेश में 240 दिन के स्थान पर अवकाश को 300 दिन किया जाए, यही जो प्रमुख मांग है इसको लेकर के हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हैं। पूरे प्रदेश में माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में आज हम पूरे जिले स्तर पर तहसील स्तर पर एकत्रित हुए, और कर्मचारियों में आज पूरे हमारे विभाग के जितने भी दफ्तर है सारे बंद करके कर्मचारी साथी इस मांग को समर्थन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और फेडरेशन के साथ कम से कम हमारे दुर्ग जिला में पूरे जितने भी संबंध संगठन हैं सभी नगर निगम, नगर प्रकोष्ठ, भिलाई दुर्ग से लेकर के हमारे कलेक्टर कार्यालय, कृषि कार्यालय, राजस्व, सेल टैक्स, वन विभाग, ये सारे दफ्तर के कर्मचारी साथी आज यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, और सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, ये चौथा चरण का आंदोलन है, हम लोग तीन बार ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन दे चुके हैं, आज ये चौथा ज्ञापन है, और इसके बाद भी सरकार संज्ञान में नहीं लेती तो निश्चित तौर से प्रांत स्तर से जो हमारी कोर कमेटी है जैसा निर्णय लेगी उसके हिसाब से फिर आंदोलन को उग्र किया जाएगा। सरकार के नाम को बनाने में सहायक है जो सरकार के बुनियादी को बनाते हैं, जो सरकार के कामकाज को गांव में क्रियान्वित करते हैं, इनको ये समझना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, देखो आगे बहुत लड़ाई है, रणनीति तय हो रहा है, आज हमने कलमबंद कामबंद किया है, कल हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी आह्वान करें, हम सारे स्थिति को हम जानते हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार को कर्मचारियों के साथ संतुलन बनाना चाहिए, उनका भी घर परिवार है, कर्मचारियों का परिवार है, कर्मचारियों की भी आवश्यकता है, बस हम इतना कहना चाहते हैं। देखो सरकार ने हमारे बहुत सारे पैसे रोक के रखे, हम ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों के पास जो पैसा बचा है वो पैसा वो दान दे रहा है अपने संघर्ष के ऐलान के नाम से, हमारा एक कर्मचारी एक दान और लंबा संघर्ष का ऐलान वो कर रहा है। हम एक प्रकार सिंह से कहें कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे कोष में पैसा नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास में कोष में पैसा नहीं है तो हमारा पूरा कर्मचारी प्रदेश में चंदा करके आपको पैसा देगा ताकि आप अपना सरकार चला सको, हम अपनी बात कभी भी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के 33 जिलों में 146 विकास खंडों में हमारे कर्मचारी अधिकारी मोदी की गारंटी लागू नहीं होने के कारण अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आज ये कलमबंद कामबंद हड़ताल उसी का एक प्रतीकात्मक संघर्ष का ऐलान है। अब मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि वो आज उनका आगमन यहाँ पर है और हमारे उनके जो कर्मचारी हैं वो हमारे मुखिया हैं और वो सब सड़क पे बैठे हैं। हम तो ये आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पंडाल में आए और अपने कर्मचारियों को। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।